हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशिश। तो आज मैं बात करूंगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर थे उन लोगों की बहुत शिकायत थी यार, मैं आज कुछ उन लोगों को एडल्ट वेब सीरीज के बारे में नहीं बता रहा आजकल। तो यार मैं सोचा कि फाइनली मैं उन लोगों को कुछ ऐसी एडल्ट वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो कि उन लोगों को देखनी चाहिए, जो मुझे पता है 100% उन लोगों ने नहीं देखी होगी। तो यार जो लोग सोच रहे हैं एडल्ट मतलब कोई गंदी वेब सीरीज के बारे में बताया, तो मैं उन लोगों को इतना बता दूं कि एडल्ट का मतलब हमेशा गंदा ही होता। हाँ मैं मानता हूँ ये जितनी भी वेब सीरीज के बारे में अभी मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ, इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, काफी सेक्सुअल टॉपिक भी है, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी कहानी भी है, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की और IMDb रिपोर्ट्स भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो कौन सी ये वेब सीरीज है, क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो आगे से बढ़ाने पहले मैं इतना बोलूंगा कि चैनल अभी सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस करो। उसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से चैनल के लिए सपोर्ट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फर्स्ट है द वैम्पायर डायरी। ये शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये एडल्ट शो के कैटेगरी में आता है। अगर IMDb की रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इसको 7.7 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। इसमें लीड रोल में हमें नजर आते पॉल वॉसले, जिन्होंने स्टेपन का रोल प्ले किया था, नीना डोबरे, जिन्होंने इसमें एलिना गिल्बर्ट का रोल प्ले किया था, इयान सोमरहेल्डर, इसमें डेमन का रोल प्ले किया था। ये एक अमेरिकन सुपर नेचुरल ट्रीन ड्रामा सीरीज है जो एक पॉपुलर बुक पर बेस्ड है। ये सीरीज 2009 में शुरू हुई थी और इसके लास्ट सीजन 2017 में आया था। इसमें टोटल 8 सीजन थे और 171 एपिसोड है। कहानी की बात करें तो जैसा है कि इसका नाम सुनकर आप लोग समझ गए होंगे, ये एक पिशाच या आप इंग्लिश में इसे बैट या खून चूसने वाला ड्रैकुला भी कह सकते हो। कहानी शुरू होती है एलिना से, जो स्टेपन से मिलती है स्कूल में और वहीं से उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि स्टेपन और उसका भाई एक पिशाच होते हैं। आगे इस सीरीज में क्या अलग हटके देखने को मिला आप खुद देख लेना। मेरी तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट वैम्पायर वेब सीरीज है। अगली वेब सीरीज है द एल वार्ड। ये शो अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इस शो को IMDb ने 7.9 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। ये शो एक लेस्बियन शो है। अगर कहानी की बात हो तो दो लड़की जो आपस में प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका भी एक बेबी हो, तो समाज में कैसे वो फेस करते, समाज को कैसे वो फेस करते, और उसके अलावा और भी बहुत लेस्बियन कपल की भी स्टोरी इसमें हमें बताई गई है। बेसिकली ये एक लेस्बियन कपल के ऊपर बनाई गई वेब सीरीज जो बहुत लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक है। इसमें टोटल आपको 70 एपिसोड देखने को मिले हैं और ये वन ऑफ दी फेमस वेब सीरीज थी जो कि अब आप इसे अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हो। अगर आपको पसंद है लेस्बियंस के ऊपर कहानी है, आप खुद भी लेस्बियंस है, तो आप ये वेब सीरीज जरूर देख सकते हैं। तीसरी वेब सीरीज है गॉसिप गर्ल। ये शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसको IMDb ने 7.4 की रेटिंग दी है। इस शो की कहानी यंगस्टर पर बेस्ड है। अपर ईस्ट साइड स्कूल की स्टूडेंट बिलर वर्ल्डॉक से सभी लोग जलते हैं, पर उसकी जिंदगी तब बिखर जाती है जब उसकी खास दोस्त सेरिना बोर्डिंग स्कूल से वापस आती है। ब्लेयर का बॉयफ्रेंड उसके बाद से ब्लेयर के बजाय सेरिना को इम्पोर्टेंस देता है। फिर क्या होता है इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये एक ड्रामा, रोमांस, सब कुछ इसमें है और ये वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज थी अपने टाइम की। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग प्यार या लव ट्रायंगल देखना पसंद करते हैं वो ये वेब सीरीज जरूर देखेंगे। और मैं इतना बता रहा हूँ, ये जितनी भी वेब सीरीज के बारे में बता रहा हूँ ये वन ऑफ दी फेमस वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को आराम से मिल जाएगी। चौथी वेब सीरीज है क्यूर एज फोल्क। ये वेब सीरीज आपको अमेजॉन पर देखने को आराम से मिल जाएगी। इसकी IMDb रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें 8.3 की रेटिंग मिली थी IMDb की तरफ से। ये एक ब्रिटिश सीरीज पर बेस्ड है। ये वेब सीरीज में होमोसेक्सुअल मैन और वुमेन की कहानी पर फोकस किया है। टोटल इसमें 5 सीजन थे और अगर आप यकीन नहीं करोगे ये अपने टाइम की बहुत ही फेमस वेब सीरीज थी और ऐसा सब्जेक्ट था जो आज भी बहुत ही अजीब होता था। लेकिन अभी इंडिया में जैसा कि आपको पता है कि 377 एक्ट लागू हो गए, तो जितने भी होमोसेक्सुअल है, जितने भी गे है या लेस्बियन है, उन लोगों को खुली छूट दी गई है। हालांकि ये सब चीज़ों को मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जो भी आप लोगों में से होमोसेक्सुअल है, गे है, लेस्बियन है, तो उन लोगों को ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, शायद उन लोगों को पसंद आएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोगों को एडल्ट और इस तरह की वेब सीरीज देखना पसंद है उन लोगों को ये वेब सीरीज देख सकते हैं। इस वेब सीरीज का नाम है क्यूर एज फॉल्क। ये मिलेगी आपको अमेजॉन प्राइम पर। आखिरी वेब सीरीज है शेमलेस। ये वेब सीरीज अमेजॉन और नेटफ्लिक्स दोनों कॉमेडी वेब सीरीज है, या आप इसे डार्क कॉमेडी कहते थे या एडल्ट कॉमेडी कहते थे। इसमें टोटल 9 सीजन आ चुके हैं और आप लोग को ये बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें डबल मीनिंग की जो सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली कहानी स्टूडेंट और उसके टीचर्स के बीच के अफेयर्स के ऊपर है और उसके अलावा इसमें रिलेशनशिप में होने वाली प्रॉब्लम्स और सेक्स, यानी सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से परोसा गया है। और मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जो कि एडल्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो इसमें सिर्फ एडल्ट सीन ही नहीं, उसके अलावा आपको एक अच्छी सी कहानी देखने को मिलेगी।
टोटल इसमें 110 एपिसोड्स है और ये आपको Amazon और Netflix दोनों पे मिल जाएगी। तो ये तो थी कुछ वेब सीरीज जो मैं आप लोगों को शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिला हूँ आपसे कल किसी नए वीडियो के लिए।